तो ये रहा भाई बिल। तो भाई महंगी पड़ती है, KTM की सर्विस बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, अब क्या ही बोले इनको यार। ये देखो भाई, एक तो मॉडिफिकेशन मेरी रगड़ गई, अच्छी लगती है दूर से, बड़ी सेक्सी लगती है भाई ये, लेकिन कुछ काम की नहीं है ये। पिछले वाले शॉकर भाई बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं। तो मोटर मोटे बहुत तेज भागती है बाइक, मुझे आज पता चला। तो हेलो गाइज, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप सब मस्त होंगे। तो गाइज, आज वो प्यारा सा दिन आ चुका है जब हमने सर्विस करानी है अपनी बाइक की। अगर सर्विस आ चुकी है इसकी, तो जुलाई में कहा था ना 26 जुलाई तक आप कराते हो, लेकिन आज मैं जल्दी ही जा रहा हूँ, क्योंकि तो मुझे ऐसी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कुछ, क्योंकि शॉकर भी लीक हो रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि भाई शॉकर क्यों लीक हो रहा है, तो इस बारे में जो इतनी नॉलेज नहीं है, तो वहीं जाके पूछूंगा मैं उनको। बहुत थोड़े बहुत भाई खड़क पैदा हो रही है, सो पता नहीं क्या सीन है इस खड़क का, ये मुझे भी पता नहीं है उतना, क्योंकि ड्यूक पे जितनी भी तकड़ी ऑफ रोडिंग करो भाई, ड्यूक पे कोई खड़क पैदा नहीं होनी चाहिए यार उतनी भी, इससे पता नहीं क्या सीन है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, तो अब पता नहीं भाई कितना खर्चा बैठेगा ऐसा, क्योंकि भाई ये KTM है, मुझे नहीं लगता कुछ नॉर्मल खर्चा बैठने वाला है, सेकंड सर्विस है इसकी, तो भाई तकड़ा सा कुछ खर्चा बैठेगा इसके ऊपर, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो वैसे ट्राई करेंगे हम कुछ काम कर सके अपना यार, तो पता चल जाएगा इस वीडियो में, आपको यही पता चल जाएगा कितनी भाई सेकंड सर्विस की कॉस्ट है, तो हम पता कर देंगे भाई इंजन ऑयल वगैरह जो है, बाद में जो एक्स्ट्रा हमारा रहा तो उसकी अलग बात रही, जो मेरी बाइक की प्रॉब्लम अलग है भाई उसको अलग रख के बताऊँगा मैं कितना आया है सेकंड सर्विस में। अगर आपकी बाइक ठीक है तो आपको कितनी भाई कितना बिल आएगा उसका वो देखते हैं नॉर्मल। भाई मुझे वो पहली सर्विस का दिन भी याद है भाई, मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं था कहाँ सर्विस स्टेशन, आज तो पता चल गया है। ये देखो भाई, एक तो मॉडिफिकेशन मेरी रगड़ गई, उल्टी हो गई, देख लो ये मॉडिफिकेशन, घटिया किस्म की मॉडिफिकेशन यार, छोड़ो इसको, अच्छी लगती है दूर से, बड़ी सेक्सी लगती है भाई ये, लेकिन कुछ काम की नहीं है ये। अभी वहीं सर्विस स्टेशन पर जा रहा हूँ, तो वहीं से मैं करा दूँगा इसको मैं। भाई यार इसका दुख हो रहा है, नीचे मुड़ गया, रूठ गया मेरे से, अब पता नहीं शायद मुझे यहाँ से मुड़ना था कि नहीं, यहाँ से मुड़ना है चाहिए रही शायद उस जगह कि नहीं, भाई कोई पता नहीं है मुझे भाई, रास्ता भटक गया शायद से मैं। ये रहा KTM जम्मू भाई, दिख गया, ये देखो भाई हर एक वैरायटी मिलेगी, ये ड्यूक 250 भी कहाँ गए अंकल सब, कब तक है? हाँ 5-7 मिनट है, मतलब वेट करना पड़ेगा। तो गाइस हो चुकी है हमारी बाइक की सर्विस पूरी, तो ये रहा भाई बिल, इसे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, 1824 है ना भाई, 200 एक्स्ट्रा लिए चैन क्लीनिंग के, तो वो बिल मैंने ऐड नहीं किया, बहुत ख़तरनाक बंदे हैं भाई यहाँ के। तो फिलहाल 1824 रुपीज़ लिए इन्होंने मेरे से, तो 200 अलग बिल पे, तो 1824 ही चढ़ाए हैं। बाकी भाई शॉकर का जो सीन था वो समझ आ गया, लीक हो रहा है, तो भाई इन्हें बोला मैन्युफैक्चर इससे ही प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपके लिए ऑर्डर करवा देंगे, आप गारंटी में गाड़ी है तो भाई आपको फ्री में मिल जाएगा, और कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी ऑल ओके है। पहली सर्विस भाई जो हमारी हुई थी, आई थिंक 2100 रुपीज़ समथिंग और था कुछ, तो बाकी तो इस बार भाई बिल पे 624 रुपीज़ ही, प्लस कुछ पेट्रोल एडिक्टिव अलग से डाला, तो 1824 वो हो गए। तो साथ में भाई चैन क्लीनिंग के 200 रुपये लिए बोलते, अगर बिल भी हम चढ़ाएंगे आपको 400 रुपये का पड़ेगा, तो ऐसे करा दो, तो अलग से पैसे ले लिया भाई वो। तो ऑल ओवर भाई मुझे पड़ा ये 2124 रुपीज़ का, मतलब पिछली बार के बराबर ही उतना ही पड़ा मुझे। तो भाई महंगी पड़ती है, KTM की सर्विस बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, अब क्या ही बोले इनको यार। भाई मैंने मुझे शॉकर की टेंशन थी भाई ये क्यों लीक हो रहा है, तो ये मुझे पता नहीं चलता, कोई बंदा बोलता है ज़्यादा वेट की वजह से भाई ये हो रहा है, कि कहीं ज़्यादा ऑफ रोडिंग की आपने उसकी वजह से हो रहा है, तो उनने भाई डरा के रखा था भाई आपको 6-7000 पड़ेंगे, सस्पेंशन चेंज कराना पड़ेगा, लेकिन बट भाई यहाँ पर पहुँचते ने कहा ये मैन्युफैक्चर पे से यही प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा बाइकों के अंदर आई है, तो हम आपको लिए न्यू मंगवा दिए, एक मंथ के अंदर अंदर आ जाएगा, तो आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपको हो जाएगा सारा कुछ। तो पिछले वाले शॉकर भाई बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं। तो मोटर मोटे बहुत तेज़ भागती है बाइक, मुझे आज पता चला, मेरी बाइक में सुपर मोटर मोड था, मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसे ही एक्टिवेट करने लग गया और वहाँ पर छेड़खानी करने लगा बटन्स के साथ, तो वहाँ पर सुपर मोटर मोड ऑन हो गया, और भाई इसमें भागती क्या है बाइक। भाई विली ट्राई मारने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे भाई, सुपर मोटर मोड ही लगा है ना, तो मैं चेक करा लेता हूँ ऐसे सुपर मोटर मोड कैसे ऑन होता है वो बता देता हूँ मैं, कोई गाड़ी ना आ जाए। जो सुपर मोटर मोड है इस सेट के बटन को अपने थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, तो सुपर मोटर मोड ऑन हो जाएगा, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा
व्हील इजीली बच जाएगी। देख रहे हो भाई, ओ भाई ये तकड़ी वाली व्हीली थी, मैं तो पीछे ही गिरने लग गया था यार। तो गाइज मैं जहाँ तो नॉर्मल छोटा मोटा व्लॉग बनाया है, तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरी वीडियो को कैसी लगी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।